नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बौद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं व उनके प्रतीकों को आसानी से याद करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताएंगे और इससे संबंधित आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बहुत छोटी वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण एंड मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान। सो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो संगति थी उनकी वीडियो हमने बनाई है वो भी ट्रिक के साथ, अगर आपने नहीं देखी है आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देखिए कि हमारी ट्रिक क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल एक पोयम के जैसी है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो ये हमारी आज की ट्रिक है, क्या है मेरे साथ एक बार पढ़िए, मैं आपको बताती हूँ कि कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए, पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप कहाए। ठीक है ना, एक पोयम के जैसी याद कर पाएंगे। क्या है? कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए, पीपल ज्ञान का बोध कराए और मृत्यु तो स्तूप कहाए। तो यही है आज की वीडियो का सार और इसी से हम पूरा ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी बौद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके कुछ प्रतीक जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यही टॉपिक हम फटाफट से कवर करेंगे। क्लियर है? तो जैसे कि आप ये ट्रिक देख रहे हैं, क्या है, सबसे पहले एक लाइन उठाते हैं शुरुआत वाली कॉमे से पहले वाली, ठीक है। क्या है? कमल सांड का जन्म कराए, ठीक है। बात किसकी गई है? कमल सांड और जन्म, ये तीन वर्ड्स हम इसमें उठा लेते हैं, कमल सांड और जन्म लिख लेते हैं। सबसे पहला प्रतीक हमारी ट्रिक में क्या आया? कमल व सांड, ठीक है। कमल और सांड, ये पहले प्रतीक आए और क्या बात की गई कि कमल सांड का जन्म कराए। तो यानी कमल और सांड प्रतीक जो है वो संबंधित है बौद्ध के जन्म की घटना से, ठीक है। तो कमल सांड का जन्म कराए, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी जब बौद्ध का जन्म हुआ तो उनके जो कुछ प्रतीक होते हैं, यानी कमल और सांड को उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और कब हुआ गौतम बुद्ध का जन्म, ये किसी को पता है कौन सी ईस्वी में हुआ, कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म के प्रतीक है कमल व सांड। अब देखते हैं अगली लाइन, यानी कोमे के बाद वाली, क्या है? घर से घोड़ा भागा जाए, बात की गई है घर से भागने की घोड़े के, ठीक है। तो घोड़े से संबंधित होगा घोड़ा, यानी गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा। यानी क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध ने अपनी 29 वर्ष की आयु में ही अपने गृह का त्याग कर दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था, तो उससे संबंधित है घोड़ा। अगर पूछा जाए कि घोड़ा किसका प्रतीक है तो वो है भगवान बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित, ठीक है। और गृह त्याग की जो क्रिया थी इसको क्या नाम दिया गया, ये आपको पता है क्या? तो इसे कहा जाता है माभिनिष्क्रमण, ठीक है। इस प्रक्रिया का नाम होता है माभिनिष्क्रमण। आगे चलते हैं, अगली लाइन देखिए आप ट्रिक की, क्या बोला गया है कि पीपल ज्ञान का बोध कराए, यानी पीपल की बात की गई है। पीपल क्या है? प्रतीक है, लिख लेते हैं हम। पीपल किसका प्रतीक है? पीपल ज्ञान का बोध कराए, ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्ति। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो कहाँ हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, कहाँ? पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, इसीलिए इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष, ठीक है, पीपल को, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ आया आपको? तो पीपल संबंधित है ज्ञान की प्राप्ति से, क्लियर। अब बात करते हैं अगली लाइन जो कि लास्ट वन है, कि मृत्यु तो स्तूप कहा है, यानी जो मृत्यु की घटना थी वो संबंधित है, यानी उसको दर्शाता है कौन सा प्रतीक? स्तूप, ठीक है, क्लियर हुआ। लिख लेते हैं, स्तूप दर्शाता है मृत्यु को, ठीक है।
मृत्यु की जो घटना होती है उसको दर्शाता है स्तूप। और इस क्रिया को क्या नाम दिया जाता है, यानी उसके उनके देहावासन की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया यानी उनके देहावासन की, उनकी मृत्यु की प्रक्रिया को कहा जाता है। और ये इनका प्रतीक है क्या, स्तूप। क्लियर हो गया, क्या थी ट्रिक एक बार फटाफट से मेरे साथ दोहराए कि कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भागा जाए, पीपल ज्ञान का बोध कराए और मृत्यु तो स्तूप कहाए। याद है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। कमल और सांड संबंधित होते हैं जन्म से, यानी जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। उसके बाद घोड़ा संबंधित है ग्रह त्याग से, यानी जब भगवान बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था तो उससे संबंधित है कौन सा प्रतीक, घोड़ा। और पीपल का वृक्ष संबंधित है ज्ञान प्राप्ति से, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु की जो घटना हुई थी वो संबंधित है, उससे संबंधित प्रतीक है स्तूप। क्लियर हो गया आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कितना समझ आपको आया कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छी लगी है तो थम्सअप करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।